नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। आपके साथ मैं हूं दीपिका यादव। शुरुआत करेंगे महाराष्ट्र की खबर के साथ। महाराष्ट्र के नांदेड़ के हजूर साहिब से लौटने वाले श्रद्धालु ने पंजाब में कोरोना संक्रमित की संख्या तेजी से बढ़ा दी है। हजूर साहिब से लौटे 148 श्रद्धालु अब तक कोरोना संक्रमित मिल चुके हैं। अभी कईयों की जांच रिपोर्ट भी आना बाकी है। सिर्फ अमृतसर में 76 श्रद्धालुओं का पॉजिटिव पाया गया है और इसके चलते पंजाब में अब कोरोना मरीजों की जो तादाद है वो बढ़ करके 500 के पास पहुंच चुकी है। पंजाब में मरीजों की तादाद अब बढ़ चुकी है, 500 के करीब पहुंच चुकी है। पंजाब में तेजी से कोरोना मरीजों की जो संख्या है वो अब बढ़ रही है। हजूर साहिब से लौटे 148 श्रद्धालु सभी पॉजिटिव पाए गए। सिर्फ अमृतसर में ही अगर बात करें तो 76 श्रद्धालु पॉजिटिव पाए गए। और पंजाब के लुधियाना में एक ही दिन में कोरोना संक्रमण के 48 मामले सामने आए हैं। उसके बाद हड़कंप मच गया और इन 48 मामलों में 38 नांदेड़ के हजूर साहिब से लौटे श्रद्धालु का केस है। हजूर साहिब से लौटे 38 श्रद्धालु कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लुधियाना में 48 नए मामलों के साथ संक्रमितों का जो आंकड़ा है वो भी बढ़कर के 77 पर पहुंच गया। चलिए सीधा रुख करेंगे मेरे सहयोगी विशाल जुड़ चुके हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विशाल, पंजाब में जो हालात हैं वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लगातार ये आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं, प्रशासन क्या कदम उठाने जा रहा है? देखिए, जो लगातार ही जो श्रद्धालु थे वो आ भी रहे हैं और धीरे धीरे उनकी संख्या भी बढ़नी शुरू हो गई है। बेशक प्रशासन द्वारा लगातार ही एहतियात के तौर पर उनको क्वारंटाइन करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी है और ज्यादातर को क्वारंटाइन भी कर दिया गया है और यही कारण है कि कल एकदम ही जो पंजाब में कोरोना का कहा जा सकता है कि विस्फोट हुआ है और पंजाब में इतिहास में पहली बार हुआ होगा कि इतनी तादाद में जो संख्या है वो लगातार ही बढ़ने लगी है। चाहे वो अमृतसर हो, अमृतसर में 76 जो हजूर साहब से आए हुए जो श्रद्धालु थे उनका पॉजिटिव पाया जाना, इसी तरह लुधियाना, क्योंकि दोनों ही मेट्रो सिटी कहे जाते हैं और पहले ऑरेंज उसमें थे और अब ये रेड जोन में आ गए हैं, जिसे आप अंदाजा लगा सकते हैं। वहीं पर पंजाब का एक या दो जिलों को छोड़ के ऐसा कोई भी जिला नहीं है जहां पर श्रद्धालुओं का आगमन ना हुआ हो और पॉजिटिव उनकी संख्या ना हुई हो। बेशक चाहे 1, 2, 10, 12 इसी तरह लगातार ही जो संख्या है वो बढ़ती चली जा रही है, लेकिन सबसे बड़ी जो लापरवाही सामने आ रही है वो है महाराष्ट्र सरकार की, जिन्होंने इनको पंजाब में बिना टेस्ट किए इनको भेजा, क्योंकि लगातार ही ये वहां पे रुके हुए थे अपना दर्शन करने के लिए, श्रद्धालु ये गए हुए थे श्री हजूर साहब और वहां से इनको टेस्ट के तौर पर ही भेजना चाहिए था, पहले टेस्ट करवाए जाने चाहिए थे। और दूसरी सबसे बड़ी लापरवाही पंजाब सरकार की आ रही है जहां पर जो पहले श्रद्धालु बॉर्डर के ऊपर आते हैं तो बेशक मैनुअली टेस्ट किए गए लेकिन जो रैपिड टेस्ट थे वो नहीं किए गए और रैपिड टेस्ट। विशाल, ये बहुत बड़ी लापरवाही है कि बिना टेस्ट किए ही इन लोगों को बॉर्डर क्रॉस करवा देना, लेकिन फिलहाल अब क्या स्टेप उठाए जाएंगे ताकि ये आंकड़े जो है, ये जो संक्रमण है वो और भी ज्यादा ना फैले? देखिए, हर एक डीसी को, एसएसपी को निर्देश दे दिए गए हैं कि जो जो लोग भी घरों में गए हुए हैं उनको तुरंत क्वारंटाइन सेंटरों में पहुंचाया जाए और ज्यादातर को क्वारंटाइन सेंटरों में पहुंचा भी दिया गया है और धीरे धीरे इनकी जो टेस्ट प्रक्रिया है वो भी शुरू कर दी गई है। और 3200 के करीब ऐसे श्रद्धालु थे जो हजूर साहब में फंसे हुए थे और लगातार ही पहले इनके ऊपर पॉलिटिक्स होती रही है, चाहे वो अपोजिशन हो चाहे वो रूलिंग पार्टी हो, सारे केंद्र सरकार के ऊपर एलिगेशन भी लगाते रहे थे कि इन श्रद्धालुओं को वापस भेजा जाए और जब वापस भेज दिया गया तो महाराष्ट्र सरकार और पंजाब सरकार की भी लापरवाही सामने आ रही है कि पहले इनके टेस्ट क्यों नहीं करवाए गए। और अब सबसे बड़ी समस्या पंजाबियों के लिए खड़ी हो गई है क्योंकि बेशक इनको क्वारंटाइन सेंटर, खामियाजा इसका सभी को भुगतना ही पड़ेगा अगर जल्द ही कोई ठोस कदम नहीं उठाया तो। बहुत बहुत शुक्रिया विशाल आपका इस जानकारी के लिए। मम्मी,
पंजाब के अमृतसर में मिले पहले कोरोना पॉजिटिव मरीज को अस्पताल से मिली छुट्टी। आपको बता दें लंदन में रहने वाले गुरप्रीत सिंह को अमृतसर से सबसे पहले कोरोना पॉजिटिव पाया गया था और अब रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद गुरप्रीत सिंह को अस्पताल से डिस्चार्ज करके घर भेज दिया गया।